हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग का साइंस 2 का जो वेटेज है, कौन सा चैप्टर आप लोग सिर्फ करके आप लोग 35 प्लस ला सकते हो। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखना और मैं आप लोग को बताऊंगा कौन सा चैप्टर है, वो अपने बुक में अच्छी तरीके से टिकआउट कर लेना और उसको वहां नंबरिंग कर लेना। इतना चैप्टर इस नंबर का है, पूरा वेटेज 2024 का बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो यही नंबर आप लोग का सेम रहेगा। इसके लिए बोलता हूँ आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और कौन सा स्किप कर सकते हो आप लोग चैप्टर, वो भी चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देखो, ध्यान से अपने बुक में देखना, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपना बुक निकाल लेना, अपना टेक्स्ट बुक, उसे आप लोग इजिली लगाना, आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाए। कुछ चैप्टर आप लोग करके अच्छा खासा नंबर ला सकते हो, भी 35 प्लस। किस तरीके से, कौन कौन सा चैप्टर ऐसा है कि जो स्किप कर सकते हो, वो भी चीज बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग का पहला जो चैप्टर है साइंस 2 का बता रहा हूँ, ध्यान से सुना, क्लास 10th का हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन दिया है। ये 5 नंबर का ऑप्शनल के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का पेपर जो होता है 60 नंबर के लिए होता है, आप लोग उसे 60 में से आप लोग को 40 लाना रहता है, ध्यान से सुना। अब यहाँ हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन दिया गया चैप्टर है 5 नंबर के लिए ऑप्शनल के साथ में। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है आप लोगों को लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन जो है, देखोगे यहाँ पर मैं पूरा अच्छी तरीके से लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ, देखोगे यहाँ पर पूरा लिखा हूँ, अब इसीलिए बता रहा हूँ ध्यान से देखना। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पार्ट वन है, ये 6 नंबर के लिए आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा वाला जो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 है, ये चीज आप लोगों का 7 नंबर के लिए आएगा। उसके बाद चौथा वाला जो दिया गया एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, ये 7 नंबर के लिए आप लोगों को पूछा जाएगा। अब पांचवा वाला जो चैप्टर है टू वर्ड ग्रीन एनर्जी करके है, वो चीज आप लोगों का 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अब उसके बाद एनिमल्स क्लासिफिकेशन, छठवा जो चैप्टर आप लोगों का 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद सातवां जो इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी दिया गया, उसमें आप लोगों का 6 नंबर के ये पूछा जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है आठवां जो चैप्टर दिया गया सेल बायोलॉजी एंड देखना ध्यान से सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है, ये चीज आप लोगों को 6 नंबर के लिए आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद नौवां जो चैप्टर सोशल हेल्थ करके है, वो 6 नंबर के लिए आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा। और यहाँ जो दसवां चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। ध्यान से आप लोगों को पूरा चैप्टर बता दिया, पहला जो चैप्टर आप लोग को यहाँ पर 5 नंबर, दूसरा जो चैप्टर 6 नंबर, तीसरा जो चैप्टर आप लोग का 7 नंबर, और चौथा जो चैप्टर 7 नंबर, और पांचवा जो चैप्टर है 6 नंबर, और यहाँ छठवां भी 6 नंबर का है, सातवां भी 6 नंबर का, आठवां भी 6 नंबर का है, उसके नौवां भी 6 नंबर का, दसवां आप लोग का 5 नंबर का। इस तरीके से अगर इसको पूरा ऐड कर लोगे आप लोग का 60 नंबर हो जाएगा। अब इसमें से कौन कौन सा सर चैप्टर किया जाए वो चीज बता दो, तो ध्यान से सुना आप लोग। इसमें से पहला जो आप लोग अगर स्कूल से स्टार्टिंग से जाते रहोगे आप लोगों का पहला लेसन याद हो गया रहेगा, ध्यान से सुना। इसमें हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन दिया गया चैप्टर, इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। इसमें डिफिनेशन अगर आप लोग पूरा कर लेते हो तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें से पहला जो चैप्टर है वो चीज आप लोग का 5 नंबर का, देखना ध्यान से, 5 नंबर आप लोग का पहले चैप्टर से मिल जाएगा। और दूसरा जो चैप्टर आप लोग का लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर ये दोनों कर लेते हो तो एक आप लोग का पार्ट 1 जो 6 नंबर के लिए है, पार्ट 2 जो है आप लोग का यहाँ 7 नंबर के लिए है। अब उसके बाद आप लोग का यहाँ पर चौथा वाला जो चैप्टर है एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ध्यान से सुना, ये आप लोग का एनवायरमेंट सराउंडिंग के बारे में दिया, एनवायरमेंट के बारे में बहुत इजी चैप्टर है, एक दो बार याद करोगे ऑन वर्ड से भी इसमें लिख सकते हो, तो ये भी 7 नंबर के लिए है, ध्यान से सुना। वहाँ चैप्टर सोशल हेल्थ का डालो, ये चीज आप लोग का 6 नंबर के लिए, सोशल हेल्थ 6 नंबर के लिए। और आप लोग का दसवां जो चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 5 नंबर के लिए। तो इस तरीके से अगर ये पूरा ऐड करोगे तो आप लोग का यहाँ 35 आ जाएगा, कितना 35। एक बार फिर से सुना, कौन कौन सा आप लोगों को चैप्टर करना है, इस साइड में आप लोगों को लगा भी दूंगा कौन कौन सा आप लोगों का कितना वेटेज है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, उसमें से क्या स्किप किया जाए वो भी चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। पहला चैप्टर आप लोग का डालो, पहला चैप्टर, उसके बाद आप लोग का दूसरा चैप्टर करो, तीसरा चैप्टर, तो पहला दूसरा तीसरा, और एक चौथा चैप्टर का डालो ऊपर से 4, और उसके बाद आ जाओ यहाँ पर नौवां, ध्यान से सुना, नौवां चैप्टर और दसवां चैप्टर आप लोग इसमें, आप लोग सिंपल से कितना चैप्टर कर रहे हो, 6 चैप्टर, 6 चैप्टर करने से आप लोग 35 प्लस आ जाएगा नंबर। और जो चैप्टर बचा उसमें से डायग्राम का डालो, ध्यान से सुना, डायग्राम और डिफिनेशन, बस डिफिनेशन और डायग्राम, और यहाँ से ऑड मैन आउट, फिलिंग द ब्लैंक्स, आप लोग सिंपल सा मैच द कॉलम आप लोग कर डाले तो आप लोग का पूरा 40 आउट 40 भी ला सकते हो, इतने से आप लोग इजिली
ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना 6 चैप्टर एकदम क्लियर, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। इतना कर डालोगे तो आप लोग का पूरा पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना।